छायावाद के चार स्तंभों में एक कविवर सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। यह उपाधि उन्हें छायावाद के एक अन्य स्तंभ महादेवी वर्मा जी ने दिया था। उनकी सुमित्रानंदन पंत जी की एक बहुत ही रोचक कविता मैं आज आपको पढ़कर उसका अर्थ समझाना चाहता हूं। आशा है आप आनंदित होंगे। कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी खोले जीवन अपना मुख। पहला स्टैंजा है यह। कवि सुमित्रानंदन पंत अपनी इस कविता सुख दुख शीर्षक है जिसका, इसमें यह कहना चाहते हैं मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, यानी मुझे ना ही हमेशा रहने वाले सुख चाहिए और ना ही दुख भी चाहिए, ना ही दुख ही चाहिए और ना सुख भी चाहिए, सुख दुख दोनों रहे मेरे जीवन में। दूसरा स्टांजा है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो गण। देखिए यहाँ प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने आप को इन पंक्तियों से जाहिर भी कर देते हैं और हमें पता भी लग जाता है। सुख दुख के मधुर मिलन से हमारे जीवन में जो यह आने जाने वाले सुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो गण। घन यानी बादल, शशि यानी चंद्रमा, फिर घन में ओझल हो शशि, बादल में ओझल हो शशि, जिस प्रकार से बादल में चंद्रमा छिप जाता है, फिर शशि से ओझल हो गण, और शशि से चंद्रमा से घन भी छिप जाए। बड़ी प्राकृतिक तुलना यहाँ पर की है कबीर महोदय ने। तीसरा पैराग्राफ है जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। कवि कहते हैं जग या दुनिया या संसार अधिक दुख से पीड़ित है, और जग पीड़ित रहे अति सुख से, और अधिक सुख से भी संसार पीड़ित है, अधिक दोनों भी दोनों बुरे हैं, दोनों दुखदाई होते हैं, अति सुख भी दुखदाई हो सकता है। मानव जग में बट जाएं, और यह कल्पना करते हैं या कामना करते हैं मानव जग में बट जाएं, मानव जग में मनुष्य में हमारे बीच में मानव जग में बट जाएं दुख सुख से और सुख दुख से। दुख सुख से यानी जिनके पास सुख नहीं है, जिनके पास सिर्फ उनके पास सिर्फ दुख है, तो दुख से सुख से मिले उन्हें, और जिनके पास सुख है उन्हें थोड़ा दुख भी मिले, क्या हर्ज है, और सुख दुख से। चौथा पैराग्राफ है अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की दिशा निशा दिवा में सीता सोता जागता जन जग जीवन। यहाँ कवि महोदय कहते हैं अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल मतलब घना, घना दुख है उत्पीड़न, अधिक दुख, घना दुख, ज्यादा दुख पीड़ा पहुंचाता है, अविरल सुख भी उत्पीड़न, अधिक दुख ज्यादा दुख भी पीड़ा पहुंचाता है। दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जन जीवन। यहाँ कवि महोदय फिर कल्पना करते हैं दुख और सुख की निशा दिवा में, यानी दुख अगर रात्रि में है तो सुख हमें दिन में मिले, सोता जगता जग जीवन, और इस प्रकार से दुनिया सोए और जगे। अंतिम अनुच्छेद में कवि महोदय कहते हैं यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। यह जीवन वह कल्पना करते हैं यह सांझ उषा का आंगन, या
यानी संध्या और उषा यानी प्रातःकाल, यह जीवन सांझ और प्रातःकाल का आंगन है, आलिंगन विरह मिलन का, और इसमें विरह यानी जुदाई और मिलन यानी भेंट, ये दोनों का इसमें सामंजस्य है। चिरहास अश्रुमय आनंद, यही आनंद बना रहे, चिरहास अश्रुमय आनंद, यह दुख हास यानी हंसी और अश्रुमय यानी दुख हमेशा एक दूसरे का सामंजन हो, एक के बाद दूसरे आए, एक गया और दूसरा आया, दूसरा गया और पहला आया, इस तरह से चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का, ऐसा मेरा जीवन हो, ऐसा मानव जीवन हो, यानी हमारा ऐसा जीवन हो। इस प्रकार से कवि महोदय सुमित्रानंदन पंत काफी अच्छे ढंग से हमारे सामने यह सुख दुख कविता रखते हैं। सही में यह छायावाद की एक अनुपम कृति है। नमस्कार।